来弄块青山上的。哇，那是什么？马。马。下面那里，天山那里。अब मुझे पता है कि आप लोगों को ये वीडियो फेक लग रही होगी। भाई साहब सुनो, मैंने भी जब पहली बार इस वीडियो को देखा था तो मुझे भी ये वीडियो फेक लग रही थी, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया इसके ऊपर तब पता चला कि ये वीडियो बिल्कुल भी फेक नहीं है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने पता लगाने की कोशिश की वो ये कि चाइना में अभी कोई थंडर स्टॉर्म यानी तूफान जैसी कोई चीज़ आई भी थी या नहीं। तो उसका जवाब मुझे NDTV से पता चला कि हाँ, थंडर स्टॉर्म तो आया था, जिससे मुझे थोड़ा यकीन तो हो गया कि ये वीडियो रियल हो सकती है। लेकिन हमारे इंडिया की पब्लिक तो इतने में खुश होने वाली है नहीं। तो दूसरी चीज़ जो मेरे मन में आई इस वीडियो को देखकर वो ये कि चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से भी ज़्यादा है। तो अगर ये वीडियो रियल है और अगर सच में ऐसी कोई चीज़ वहाँ आसमान में दिखाई दी थी, तो सिर्फ किसी एक इंसान के बजाय वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपने अपने फ़ोन से इस चीज़ की रिकॉर्डिंग अपने अपने फ़ोन में की ज़रूर होगी। तो अगर मुझे इसी चीज़ की कम से कम एक और वीडियो मिल जाए जिसको किसी दूसरे इंसान ने किसी दूसरी जगह से रिकॉर्ड किया हो, तब मैं मान लूँगा कि ये वीडियो फेक नहीं है। तब मैंने खोजना शुरू किया। मैंने सबसे पहले गूगल पर चेक किया, फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह देखा, पर मुझे कोई वीडियो मिली नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि वहाँ के लोग यूट्यूब यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ उन्होंने अपना एक अलग वेबसाइट बना रखा है जिस पर वो लोग वीडियोज़ अपलोड करते हैं। अब मैं चाइनीज़ तो हूँ नहीं। आखिर में मैंने अपने जीमेल कॉन्टैक्ट को इस बारे में बताया, तब जाकर मुझे एक वीडियो मिल ही गई जिसको एक डेनिस नाम के आदमी ने अपने बिल्डिंग से रिकॉर्ड किया था। और उस वीडियो में भी बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। तब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि ये वीडियो बिल्कुल रियल है। अब अगर आप मुझसे पूछो कि भाई आखिर ये चीज़ है क्या, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये चीज़ एक भूत है, एक जिन है या फिर एक रोबोट है। अगर आपको इस बारे में कोई भी नॉलेज है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अभी भी कुछ खास महापुरुष टाइप के लोग होंगे जो इस वीडियो को फेक बोलेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ के लोग अगर वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लग रही हो, तो लोग सीधे सीधे उसको फेक बोल देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट पर जो कुछ भी देखो सबको आप फेक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरनेट पर जो भी देखो आप सबको रियल मान लो, पर कम से कम थोड़ा रिसर्च तो उसके पीछे कर ही सकते हो। और एक और चीज़ की मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अगली वीडियो एक Q&A वीडियो होने वाली है, जो कि हो नहीं पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और अगली वीडियो तो पक्का